खबरदार तनवीर पाकिस्तान आर्मी की बलोच रेजिमेंट के एक नौजवान हैं। 2021 में एक दर्दनाक हादसे की वजह से ड्यूरिंग ऑपरेशन इनको एक आईडी ब्लास्ट में अपनी टांग गंवाना पड़ी। बहुत मुश्किल मराहल से गुजर के 2021 से लेके अब तक इनकी जो ट्रीटमेंट है वो हमारे साथ चल रही है। ट्रीटमेंट के दौरान इनका जो जोश और जो हिम्मत थी वो काबिले दीद है। इन्होंने अपनी जो भी ट्रीटमेंट के मराहल हैं वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से सर अंजाम दिए। जो भी हमने इनको टास्क दिए, जो भी इनको हमने एक्सरसाइजेस बताई, वो बहुत ही इन्होंने एक जाफिशानी से सर अंजाम दिए। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से इनकी ट्रेनिंग यहाँ पे चल रही है, जिस तरह से इनकी तरबियत यहाँ पे हम कर रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट हम यहाँ पे इनका कर रहे हैं, मुझे बहुत उम्मीद है कि इनको प्रोसेसेस इनका जब मिल जाएगा तो ये अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे और दोबारा से अपनी जो एक रेगुलर ज़िंदगी है उसमें दोबारा वापस चले जाएंगे और अपने जिस तरह ये पहले अपनी ड्यूटीज़ सर अंजाम दे रहे थे उसी तरह से इंशाअल्लाह अज़ीज़ दोबारा अपनी ड्यूटी में सर अंजाम देंगे। मेरा नाम हवलदार तनवीर हसन है। सन 2006 में मैंने पाकिस्तान आर्मी में बलोच रेजिमेंट में शमूलियत अख्तियार की। अपनी 17 साल सर्विस के दौरान मैं मुख्तलिफ इलाकों में जैसे कश्मीर, वजीरिस्तान और बलूचिस्तान ऑपरेशन में अपनी ड्यूटी फ़राइज़ सर अंजाम दी। सन 2021 में बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान बारूदी सुरंग के धमाके के नतीजे में मुझे अपनी टांग गंवाना पड़ी। मुझे अपनी टांग के कटने का दुख तो है मगर साथ साथ फ़ख्र भी है कि मैंने ये कुर्बानी दिफाए वतन में दी है। वाज पाकिस्तान मुल्क के दिफा के लिए हर दम तैयार है और दहशतगर्दों के मुल्क दुश्मन अजाइम को कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे।